प्रदेश सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में उदयपुर में आज भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने बिजली पर बढ़े फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे पूरे किए उसमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया और अब महंगाई राहत कैंप का आयोजन कर सरकार जनता को गुमराह कर रही है और दूसरी तरफ अलग अलग हथकंडे अपना कर जनता पर महंगाई ठोक रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस सरकार का की वारंटी खत्म हो गई है वही सरकार महंगाई राहत के गारंटी कार्ड बांट रही है और यह आरोप कुछ सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। इस मौके पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए मेरी बात सुनो, ये तो अपना अपना ये चुनावी वर्ष अब इनको सब याद आ रहे हैं। चार साल पूर्व इनको क्यों नहीं अपने वादे याद आए, क्यों नहीं राजस्थान की जनता के जिस प्रकार से उन्होंने जो वादे करके आए उनको राहत देने का प्रयास किया, या केवल और केवल अपना फोटो उस प्रमाण पत्र पर लगा कर कि वास्तव में हम यह राहत दे रहे हैं हमारा फोटो होगा, लेकिन आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति, राजस्थान का प्रत्येक मतदाता इस बात के लिए सजग है, उसको ध्यान है कि यह सरकार की किस प्रकार की जो प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 100 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दी है लेकिन उसके बाद में फ्यूल सरचार्ज के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने दाम बढ़ाए और उसके साथ साथ में महंगा ये कोयला खरीद रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार के आयाम इन्होंने गढ़ दिए हैं। मैं सोचता हूँ सारे भारतवर्ष में देखा जाए तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार हर क्षेत्र के अंदर कहीं हुआ है तो राजस्थान के अंदर यहाँ के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में आकर ये साबित कर दिया है कि वास्तव में ये महंगाई राहत कैंप नहीं है, ये केवल और केवल छलावा है। इससे निजात पाकर आम जनता का सुख दुख का ध्यान रख के और अब चार साल का वादा खिलाफी को अब भी आप कम से कम लागू करें यही मांग करता हूं, नहीं तो हमारी सरकार का यह विरोध हम पूरा जन जन तक पहुंचा कर यहाँ ईंट से ईंट भेजा देंगे। धन्यवाद। इन्होंने 3 साल 4.5 साल पहले सरकार में आने से पहले जो वायदा किया था, पहला वायदा राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा, क्या उनसे आप पूछो कि ये किसानों का कर्जा माफ़ हुआ? दूसरा वायदा उन्होंने क्या बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, क्या वो भत्ता दिया? और तीसरा ये कहा कि हम बिजली का एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, जो बार बार ये फ्यूल चार्ज बढ़ा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है, इस बारे में हमारा ये कहना है। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 and 9828141898।